हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रासितु रेसिपीज़। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्पाइसी चिली इडली की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है 5 इडली। फ्रेंड्स, आप बची हुई लेफ्ट ओवर इडली से भी इसे बना सकते हैं। तो इसे हमें कट कर लेना है। अगर आपको इडली खाना पसंद नहीं हो तो आप इस तरीके से इडली बना के खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, बस इसे हम इसी तरीके से एक एक करके अपने सारे इडली को हमें कट कर लेना है। तो देखिए, हमने अपने सारे इडली को कट कर लिया है इस तरीके से। आप अपने मनपसंद आकार में इसे कट कर सकते हैं। तो एक बाउल ले लिया और इसमें हमने डाला है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 बड़े चम्मच इसमें हम डालेंगे मैदा। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे विनेगर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से थोड़ा मिक्स कर देंगे और थोड़ा पानी डाल के इसे हमें एक घोल बना के तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, जो हमारा घोल है वो बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। बस हमें ऐसा ही चाहिए। और इधर हमने रख दिया है कढ़ाई में रिफाइंड, ये गरम हो गया है। तो इसी घोल में हम अपने इडली को अच्छे तरीके से कोट करके और इसमें फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके हम डाल देंगे अपने रिफाइंड में जितने की इडली आए। और फ्रेंड्स, इसे हम दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाती हैं बिल्कुल। तो आप देख रही हैं, हल्का हल्का गोल्डन कलर की हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी इडली है बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इडली तो हमारी फ्राई हो गई है, अब चलिए बनाते हैं सॉस। तो कढ़ाई में हमने डाल दिया तेल और तेल गर्म हो गया तो इसमें हमने ऐड किया है कटा हुआ अदरक, 2 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, 2-3 कटी हुई हरी मिर्च, इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च, इसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे फ्रेंड्स। और अब इसमें हमने डाला है करी पत्ता और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे टोमेटो सॉस। बस इसे भी हम थोड़ा सा चला देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, बस थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाला है और इसे भी हम चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने नमक नहीं डाला है और नमक नहीं डालना क्योंकि इडली में भी हमने नमक डाला हुआ है और जो हमारे सॉस होते हैं उसमें भी बहुत सारा नमक होता है। तो इतना नमक इसके लिए सही है। तो हमारा सॉस भी अच्छे तरीके से पक गया है तो हमने इडली डाल के इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। और लास्ट पे इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।